इस पे आपको लगता है कि जिस तरह की कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही हैं कंपनीज और अच्छे हेल्दी यूटिलाइजेशन लेवल्स होंगे, उसको देखते हैं टॉप बिट्स क्या मिड कैप स्पेस से बेटर समझ आ रही है लार्ज कैप्स के कंपैरिजन? जी बिल्कुल, अगर आप वैल्यूएशन गैप देखें तो जो भी आपके बड़े कंपनीज हैं सीमेंट में, वो करीब 17 से 18 टाइम्स ईवी बाय एबिटा ट्रेड कर रहे हैं। ये कंपनी करीब 7.5 के आसपास में ईवी बाय एबिटा पर ट्रेड कर रही है, तो वैल्यूएशन का गैप तो डेफिनेटली है। आई थिंक बिरला कॉर्पोरेशन हमने रेकमेंड किया विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1,755। इसमें यह है कि 4 मिलियन टन का कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपैंड किया है ये साल, पिछले साल, एंड ओवरऑल हमें लगता है कि इसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो आगे जाके रैंप अप होगा, बिकॉज जिस हिसाब से केपेक्स स्पेंड चल रहा है ओवरऑल सीमेंट एज अ स्पेस अच्छा करना चाहिए। एक जो इशू हुआ करता था कि इनका एबिटा पर टन काफी इम्पैक्ट हो गया था बिकॉज पावर एंड फ्यूल कॉस्ट बढ़ गया था। आई थिंक इस कंपनी में हम ओवरऑल देखेंगे इसका जो एबिटा पर टन है वो करीब 500 से बढ़ के करीब 1,000 के आसपास में जाएगा। सो आपको वैल्यूएशन, आपको इसका अर्निंग ग्रोथ भी काफी अच्छा मिलने वाला है, एंड वैल्यूएशन गैप तो काफी है ही, तो हमें लगता है कि ये कंपनी उस हिसाब से अच्छा करना चाहिए। इट्स अ गुड प्ले ऑन दी ओवरऑल सीमेंट डिमांड व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू पैन आउट। ओके।